Tapi macam mitbana plus mitba. Namaskar. Namaskar. I need a response. Namaskar. साथियों आज क्योंकि मेरा इसके पहले मैंने कभी बहुगुणा जी पर पब्लिकली नहीं बोला है. ये शुभ कार्य कौशल जी कार्य हो रहा है. मैं भी अंशु जी को सुन रहा था, आशु भाई को सुना, मेरे मन में विचार चल रहे थे कि एक तो है कि भाई पॉलिटिकल लोग, मतलब आप समझे कि इसको आम आदमी पार्टी के 3 विधायक मंच पर बैठे, और काफी सारी चर्चाएं मेरी हुई हैं कौशल जी के साथ, 2-3 मुलाकात मेरी इनसे हो गई, और मेरी अपनी भी जद्दोजहद चलती रहती है राजनीति में. जब से आपने मुझे विधायक बनाया है वो डायकोटमी है, आदमी कहना कुछ चाहता है करता कुछ है. अब बहुगुणा जी जैसे व्यक्ति है, गांधी जैसे व्यक्ति, they should be by default choice of the governments. क्यों नहीं होते? कारण यह है, कंसोल जी ने काफी इस पे मुझे बताया, इनका व्यक्तित्व इस प्रकार से मुझे कौशल जी ने बताया. मैं ये देखता हूं कि सरकारें जब बनती हैं मदद किसके लिए की, जिसकी मदद से सरकार बनती है, जिससे वो अपने पॉलिटिकल कैंपेन को फंड कराती है, जिससे बड़े बड़े जहाज खरीदे जाते हैं, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर खरीदे जाते हैं, बड़े बड़े स्टेज बनते हैं. अब उनसे आशा करना कि बहुगुणा के मुसाबिक पे वो कुछ काम करेंगे, तो ये अपने आप में अपने को धोखा देने वाला. मैं मूल बात कर रहा हूं, मैं यहां पर कहने के लिए बहुगुणा जी ऑफकोर्स बहुत बड़े व्यक्ति थे, पॉसिबली दूसरे गांधी कह दें, गांधी के बराबर के हस्ते कह दें, एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व. देखो आध्यात्मिक और उसमें फर्क क्या है, तो जो व्यक्ति अपने अंतकरण के साथ चलने को राजी हो वो आध्यात्मिक है. जो व्यक्ति सोर्स ऑफ प्लेजर बाहर ढूंढ रहा है, ढूंढो मटीरियलिज्म में, ढूंढो हर जगह ढूंढो, जब थक थका जाओगे तो बहुगुणा के रास्ते आओगे. हो सकता है उस वक्त शरीर में ताकत नहीं रहेगी, शरीर में ताकत है तब तक तो चलोगे, शरीर का भी एक लिमिटेशन है. तो परमात्मा करे सरकार हो, इंडिविजुअल हो, समाज हो, युवा हो. अब मुसीबत क्या है कि इस युवा वर्ग को या हिंदुस्तान को हम उस बहुगुणा के रास्ते ले कैसे जाए, क्योंकि मन कुछ और चाहता है. समाज में माप तक कुछ और कर रखे हैं आपने सक्सेस के, लाइनें कहीं और लगती हैं. तो ये डायकोटोमी को जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक बहुगुणा ऐसे व्यक्तित्व के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा. साफ साफ अगर अदानी अंबानी आपके पॉलिटिकल कैंपेन्स को फंड करेंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकती न्याय, क्योंकि वो उत्तराखंड के अंदर वो
गंगा बचाने को लेकर के बहुत सारे लोग बन चुके। तो मेरा ये कहना है कि प्यूरिफाइंग द पॉलिटिक्स बाय ब्रिंगिंग दोज इंडिविजुअल्स हु ड्रॉ इंस्पिरेशन एंड एनर्जी फ्रॉम विद इन, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। आप क्या कहते हैं, वो बीज बोए बबूल के तो आम कहां से खाए? आपने जो बीज बोए हैं खाओ। इसलिए जब देखो हमारी पार्टी छोटी सी पार्टी है स्टार्ट हुई, रोज उसीते हैं, अरविंद जी ने बेड़ा ले रखा है कि एजुकेशन को हम मोस्ट फंडामेंटल लीग बनाएंगे और उसके जरिए, क्योंकि अनलेस यू आर एजुकेटेड हाउ विल एन अनएजुकेटेड पर्सन अप्रिशिएट वर्क्स एंड डीड्स ऑफ बाबूनाथ जी, अनलेस somebody is able to read out, somebody is able to investigate, somebody is able to do research, something of that kind. So education is the first, of course usme bhi bade saare hum seekhte hain kis prakar ka education, kaun sa education, one which is going to give you employment, one which is going to give you spiritual understanding, spiritual life. To ye bada bahut sari cheeze hain jo ki हम लोगों को एंड कौशल जी से और मैं जो संस्था है हमारी जो उनकी संस्था है आग्रह करूंगा कि इस पे कुछ रिसर्च करके समाज को दिशा देने का प्रयत्न करें। अगर समाज को दिशा नहीं देंगे तो फिर आप मत समझिए, फिर वह चार पांच दोस्ती कर लीजिएगा। ऐसे दोस्ती करके हम दो चार ट्यूट हो जाएगा, दो चार अखबारों में छप जाएगा, हो सकता है कि दो चार पार्लियामेंट्री जाकर के अच्छा बोल जाएंगे, लेकिन अंतोगत्वा वो असली काम नहीं हो पाएगा जो भगवान ही चाहते थे। अब बताइए 92 में अगर बस को गिरा दिया खड्डे में और 28 लोगों की मृत्यु हो गई, अब ये बड़ा मुद्दा है कि भी उसको न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने शेखर जी की बात की, रिजेंद्र की बात की, ऑफकोर्स इसी सिस्टम में मैं हमेशा कहता हूं कि भाई दो ही ग्रुप है, एक शोषण एक शोषित, ना कोई जातियों में बटा है देश, ना कोई धर्मों में बटा है देश, ना कोई क्षेत्रवाद में बटा है, दो ही ग्रुप है, एक है शोषण दूसरा है शोषित। और ये भी देखने को मिलता है जो शोषित वर्ग का लीडरशिप देता है वो भी शोषण के ग्रुप में ज्वाइन करने की आतुरता रखता है कि हम भी चले जाएं उस तरफ। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इंटरनल अवेकनिंग, आदमी अपने सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के अंदर किस प्रकार की बातें रखता है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, इसमें बहुत मतलब तो मैं तो मिल नहीं पाया भगवान साहब से, लेकिन मैं पढ़ रहा था आज आने के पहले। सो ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट जो गांधी कहा करते थे, और गांधी के आगे पूरी दुनिया झुकी, निर्माज कर गांधी रह गए पोस्टर। अब गांधी को गांधी के नाम पे वो, मैं भी विधानसभा में विपक्ष के लोग बैठना चाह रहे थे कि भाई जब अपोजिंग सब मनसा में काम होगा तो ढूंढ रहे थे कहां बैठे, तो हमने कहा अध्यक्ष महोदय को भी गोडसे की मूर्ति बना के आप गांधी के नीचे बैठ के इनको तो मन में शांति मिली कि नहीं। तो मैं कह रहा हूं इस बहुत बड़े मुकाम पे देश खड़ा है, इस मुकाम पे आपको चुनना पड़ेगा। आप लिव ऑन तरीके से जीने से कुछ नहीं होगा, एक आदमी को मारेगा चार आदमी देखेंगे, फिर उसको मारेगा चार आदमी वो देखेंगे। जब तक आप हो, एक तो वो अपवाद है शेखर जी का, जब तक आप पूर्ण रूपेण फैसला नहीं कर लेते कि हम किस तरफ हैं, हम मोहन भगुना जी की तरफ हैं, गांधी की तरफ हैं, गोडसे की तरफ हैं, कहां हैं, और जब तक वो पूरी चीज आपकी पूरी व्यक्तित्व में, आपकी वर्किंग में, आपके चाल चलन में, आपके सोर्स ऑफ इनकम में सब चीजें रिफ्लेक्ट नहीं करता, तब तक आप ही मुसीबत है। तो मैं बहुत, क्योंकि मैं अक्सर इस बात से लड़ता रहता हूं
मैं अक्सर दोस्तों कहता हूं कि भाई अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनेस्ट मनी इज द मेजर प्रॉब्लम इन पॉलिटिक्स। हम तीनों साथी हैं यहां पर बैठे, आंदोलन के साथी, हम तीनों हम सब इस बात से बहुत पीड़ित हैं। जब तक पॉलिटिक्स में उस प्रकार का मूल परिवर्तन नहीं होगा, कितने लोग सहेंगे, कब तक सहेंगे? रोज अदानी आपके दरवाजे बैठा है, रोज उस प्रकार के लोग आप दरवाजे बैठे, तो किसकी कितनी सहने की ताकत है? कौन कब तक इस बात को सह पाएगा, कौन दुख सह पाएगा, और कौन भगवान जी के गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे चलने की ताकत रख पाएगा? ये तो मैं आपके आगे सवाल रखता हूं। तो मैं इस बात पे चिंतन करता रहता हूं। मैं वकील भी हूं, मेरी लिवलीहुड बकाया चल रही है, रोजी रोटी घर में रोटी आती बकाया से, पॉलिटिक्स में तो हम जुटा रहे हैं। अगर आप जाने कि किस प्रकार से जीते हैं, तो लोग तो पॉलिटिक्स में आगे पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, आपको अभी जो था वो भी जा रहा है। तो मैं आज जितने लोग आए हैं, मैं कहूंगा कि वृद्ध लोग आए हैं, क्योंकि इस हॉल में आना आसान काम नहीं है, इसने मन की स्थिति को कुछ समझा होगा। मन है ना, वो नारक ने कहा मन जीते जब जीत, आपके सारे गाने मन से है, मतलब बात तो उसी पे है, सबसे बड़ा एनिमी तो आपका मन है। तो मन को मन साधे सब सदे, अब गांधी हो या भगुना हो, इनका मन के ऊपर तो कुछ जोर था, मन कंट्रोल में है नहीं, और चले भगुना जी को फॉलो करने, चले गांधी जी को फॉलो करने, तो उनका नाम खराब ही करेंगे, अच्छा तो ना कर पाएंगे। तो मैं आपसे विनती करता हूं, वैसे तो राजनीति और पॉलिटिक्स को हम लोग मजबूत मानते करते हुए हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, लेकिन पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट और असेंबलीज, अगर आपने यहां अच्छे लोगों का समावेश नहीं किया, तो भूल जाइए कि कुछ अच्छा होता है। एक अच्छा चल रहा है आम आदमी पार्टी, हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं चलाने को, कमियां हमारे अंदर भी होगी, कोई दूर के दूल्हे नहीं होंगे हर तरफ से, या आपके इच्छा के अनुसार हमारे पार्टी हो सकता है हर लहजे में ठीक नहीं रही होगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि गांधी और बहुगुणा के पद चिन्हों पर चलने वाले अधिकतर लोग मेरी पार्टी में होंगे, ये मैं दावा कर सकता हूँ, तीन बैठे हैं और हम लोग को बहुत चीजें होंगी, लेकिन हम लोग यहाँ बैठ के आराम से, क्योंकि मैं भी सुन रहा था कि जो हमारे सीनियर साथियों ने कहा है, कि आप लोग कॉन्शियसली इस बात को टेकअप करो कि बहुगुणा और गांधी के जीवन के साथ हम अब जिनको मूवमेंट पेड़ों के, मतलब किसी ने लिखा है कहा मेक्सिको में शायद गए थे, तो वहां एक व्यक्ति ने लिखा कि भाई कोई आमरण अनशन पर बैठ गया हो पेड़ों के लिए, बहुगुणा के व्यक्तित्व की जो चर्चा वहां हो रही है, तो कोई आमरण अनशन पे बैठा हो पेड़ों की रक्षा के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। हम तो यहां अपने साथियों को रक्षा करने के लिए नहीं बैठते हमारे, कई लोग तो हैं कि उस वजह नाश्ता करके आते हैं फिर अनशन पर बैठते हैं, फिर तो बहुत उसको खत्म कर देते हैं, आमरण अनशन हो गया हमारा। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, भले आप उसको, अगर आपने वास्तविकता में बहुगुणा जी के जिंदगी के साथ न्याय चाहते हैं, उनके सैक्रिफाइस के साथ न्याय चाहते हैं, गांधी जी के जिंदगी के साथ न्याय चाहते हैं, तो खुल के बोलना पड़ेगा पहली बात। दूसरी बात, पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों का समावेश करना पड़ेगा, अंशुल जी हो या कौशल जी हो, वैसे मुझे लगता है कि नहीं आना चाहते हो पॉलिटिक्स में कभी, लेकिन मैं चाहता हूं। आप सोच रहे जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर इस प्रकार के लोग बैठे, तो नेचुरल सी बात है कि बात होगी फिर बहुगुणा वाली, बात होगी फिर गांधी वाली,
अब वो बैठे वो लोग हैं जिसको फंड कोई और करता है, तो कैसे बात करा लोगे तुम उससे, भले ऊपर ऊपर कह दे। इसलिए साथियों आज मैं आकर के यहां बड़ा अच्छा अनुभव कर रहा हूं, कौशल जी का धन्यवाद करता हूं, जो इनकी बांधने वाली लड़ाई है जिसमें हमारे साथ के साथी इनकी जिंदगी गई। दिलीप जी मुझे पूछ रहे थे कि आप कुछ कर पाएंगे, तो मैंने कहा कि मेरा तो ये शुरू से रहा, जहां मैं रहा वहां कूद जाता, और उसे कंसिक्वेंसेस बहुत बार झेलने पड़ते हैं मुझे बहुत तरीकों से। तो यहाँ तो एक जेन्युइन कॉज है, जो बन पड़ेगा यहाँ इस हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में देहरादून जाके कुछ करना पड़ेगा करेंगे। तो माई कमिटमेंट टू द कॉज, दिस 92 कॉज एंड हाउ टू प्रोपोगेट एंड हाउ टू इंश्योर दैट पेनिट्रेशन ऑफ मैसेजेस ऑफ बहुगुणा जी एंड गांधी जी गो डीपर इन द कॉन्शियसनेस, इस पे भी मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं बगैर मूलभूत परिवर्तन के नहीं काम होगा, मैं इस बात को देख चुका हूं 10 साल से मैं देख रहा हूं। इस प्रकार से लोग जुड़ते हैं, अब मानेंगे नहीं जब लोग आते हैं ना, तो बिल्कुल आते हैं जैसे कि वो मैं कमिटेड, लेकिन जब वो साथ रहते चार दिन तो देखते रहते कहां कुछ बन सकता है। चार दिन के बाद उनका असली रूप आ रहा है, कहीं कोई धनी आदमी आ गया जिसका काम में मुफ्त में किया जा रहा हूं, वो कहता अरे भाई साहब एक घर से एक व्यक्ति को जोड़ करके मैं मोहल्ला सभा कहता हूं, तो 24/7 मेरी उपलब्धता रहती है मेरे क्षेत्र के लोगों को, एक घर से एक व्यक्ति मोहल्ला सभा इन माई मेरे क्षेत्र में हर कोई मुझे अपने व्हाट्सएप पे लेके चलता है, वो अमेरिका में रहे मैं लंदन में रहूं, वो वहां बैठे बैठे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया मोहल्ला सभा व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो 24 घंटे के भीतर काम हो जाता है। तो गांधी की विरासत को इस प्रकार से जीने का व्यक्त कर रहा हूं कि भाई मैं क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध रहूं, और एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जहां कहीं भी मैं आगे उनके काम आ पाऊंगा, जिस प्रकार से समिति चाहेगी कि बहुगुणा जी की और गांधी जी को हम किस प्रकार से रेलिवेंट बना करें, क्योंकि वो जनरेशन डिफरेंट है। जब तक आप उस प्रकार से और जब तक जो बचपन से नहीं आप कंडीशनिंग करेंगे तब तक बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज जमाना बहुत फास्ट है और जमाना पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, किस प्रकार ले जा रहा है। पुरानी दीवारें तो गिर गई है, लेकिन नई दीवार बनाने नई नई मंदिर बनाने वाला भी कोई व्यक्ति उस पर काम करेगा तो जाने बात। लेट्स टुगेदर फर्दर दिस कॉज एंड कौशल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अंशुल जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस व्यक्ति को आने का मौका दिया और आपसे इस ऑगस्ट गैदरिंग से बात करने का मौका दिया। जहां कहीं भी मन पड़ेगा वहां हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद जय भारत। शुक्रिया आपका इस सहयोग के लिए, आपने बहुत बढ़िया वो एक मेक्सिको का प्रकरण याद किया। बहुगुणा जी इवान इलिच से मिलने मेक्सिको गए और एक आदमी वहां आज भी वैसा ही है सर, वो गुस्तावो सिल्वा जी, वो एक कंपनी का सीईओ हुआ, बाकी सरकार में मंत्री हुआ, और फिर वो बहुगुणा जी की तरह आज वो आदिवासी हो गया, वो गांव में जंगल में जाके वन में रहता है, वो एक्चुअल वनवासी हो गया है। तो बहुगुणा जी उन लोगों को जाके मिले, और सुबह हम लोग सर जो इसके पहले सत्र में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हम पाली बाबा की श्रीमति जी हैं पूर्णिमा जी वो यहाँ आई थी, तो वो एक्चुअली यही सब बात कह रहे थे। आज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपने ये बात बहुत सही उठाया कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ कॉर्पोरेट स्टेट है, देखिए आपने उसको करेक्ट करने का काम आगे बढ़ाया है, तो आप सफल होइए, हम सब लोगों की दुआएं आपके साथ है, आपको सफलता मिले और पॉलिटिक्स पीपल सेंटर्ड हो जाए जो अभी आप कह रहे हैं, तो सचमुच में देश दुनिया का भला होगा। और ये वो बात होगी जिसको आप कहिए कि हिमालय की चेतना की बात, कुदरत ने ये जो धरती बनाया आप उसमें देखिए कि हिमालय सबसे ऊंची जगह है, तिब्बत से ऊंचा कोई जगह नहीं है इस धरती पर, सबसे ऊंचा तिब्बत है, और कोई इंसान आज तक ऐसा नहीं हुआ जो सिर में जूते पहनाता हो, पर आप तिब्बत की हवा
दशा देखिए 1959 से, तो आपको साफ समझ में आएगी कि मानवता ने ये बात तय कर लिया है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ऑर्डर खड़ा हुआ उसने ये बात तय कर लिया है कि हम धरती के सिर को जूते पहनाएंगे। इससे सिर्फ यही होगा जो हो रहा है। और आपने जो वो बात कहा उस चैलेंज के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स कॉर्पोरेट स्टेट सेंटर्ड जो है वो उसका सिर्फ चेंज हो, वो पीपल सेंटर्ड हो, वो नेचर सेंटर्ड हो। तो आज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, अध्यक्षता हमारे पांडे जी करेंगे, तो वो मैं बस दो मिनट के लिए सर लोकेश जी से निवेदन करूंगा, वो बहुगुणा जी के संस्मरण में एक दो मिनट बस लेना चाह रहे हैं, तो लोकेश जी प्लीज आप आइए और इसके बाद हमारे पांडे जी की अध्यक्षता है और आज वोट ऑफ थैंक्स हमारे दीपक भाई करेंगे।